Brought to you by Spark 20 series smartphones. अगर आप कन्हैया कुमार के उन भाषणों को देखें जिस समय वो कांग्रेस में नहीं थे और वो भाषण जो वो जे में एक अध्यक्ष के तौर पर दे रहे थे उस भाषण ने एक तरह का स्पार्क पैदा किया था उस समय जिस पर कन्हैया कुमार कई टिक उन पर लगते हैं वो एक बहुत अच्छे वक्ता है एक ऐसे व्यक्ति दिखाई देते कि अगर वो संसद में होंगे तो संसद में काफी आतिशबाजी हो उनके मन में एकदम स्पष्ट है कि अगर रोजगार पे वोट डालना है तो शायद भाजपा एक उपयुक्त तो चुनाव नहीं अगर भाजपा घोषणा पत्र वंचितों को वरीयता शब्द इस्तेमाल करता है और उसको लगता है कि एक्सेप्टेबल है जो कि एक्सेप्टेबल है टू तो बी ऑनेस्ट ये होना ही चाहिए वंचितों को वरीयता मिलनी चाहिए तो फिर अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वह वाक्य कैसे आपत्तिजनक हो सकता है भाजपा के पूरे घोषणा पत्र में शानदार छवियां इस्तेमाल की गई हैं लेकिन उन छवियों में ऐसी किसी छवि को आने नहीं दिया जा रहा है जिस छवि से ये जरा सा प्रतीत हो कि इस देश में हिंदुओं के अलावा भी कोई रहता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए एक उम्मीद नजर आती है दूसरा सद्भाव जो प्रेम की बात है वो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है मेरा अपना विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रख्यात टीचर मेंटोर यहाँ पर हमारे साथ हैं आप चुनावी चर्चा हो रही है तो हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे आज उस चुनावी चर्चा में कूदने से थैंक यू निधि बातचीत करने के लिए आ, अभी आप अंत में भी बोलिए <laughs> <laughs> अच्छा आ, सबसे पहली मैं जो सबसे ताजा खबर है वहीं से शुरू करती हूँ रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंस अभी तक रखा हुआ था कि, कि किसे चुनावी मैदान में उतारना है राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे प्रियंका गांधी लड़ेंगी नहीं उसी कड़ी में खबर आ गई है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं देखिए कौन सी पार्टी किस व्यक्ति को कहाँ से प्रत्याशी बनाएगी ये तो स्वाभाविक है कि चुनावी गणित से तय होता है और रायबरेली और अमेठी जहाँ तक मुझे याद है कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट्स रही हैं और दोनों जगह से उन लोगों ने अपने महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को खड़ा किया है तो अगर वे रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और रायबरेली के विषय में जितनी जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से रायबरेली में अभी भी कांग्रेसी कांग्रेस का और ख़ासतौर से गांधी परिवार का खासा प्रभाव महसूस होता है तो मुझे लगता है कि कम से कम चुनावी तौर पर तो ये एक बहुत अप्रत्याशित फैसला नहीं कहा जाएगा नहीं। ये अपेक्षित किस्म का ही फैसला है और इससे कुलबला के रायबरेली की अपनी सीट और उसके आसपास की कुछ सीट्स पर तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को आ, और गठबंधन को लाभ ही महसूस होगा लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का मुकाबला जो है वो अमेठी में देखने को मिल सकता है ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान आया है भाजपा नेताओं का बयान आया है कि राहुल गांधी क्या डर गए हैं जाहिर है कि कोई भी आ, जो दल है वह है जीत की संभावनाओं के साथ तय करता है अगर उन लोगों का आकलन यह है कि आ, राइबरेली एक बेहतर और अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित सीट है तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई हैरानी की बात है क्योंकि सही बात यह कि जो हर महत्वपूर्ण नेता होता है उसको पार्टी चाहती है कि अगर वह अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट से होगा तो उसका इस्तेमाल अन्य जगहों पर बेहतर तरीके से हो जाएगा एक मायने में एक स्मार्ट चाल भी है क्योंकि अगर पिछली बार के चुनाव का परिणाम देखते हुए अगर वे अमेठी से फिर से चुनाव लड़ते तो उन्हें अमेठी में बहुत समय बिताना पड़ता जिसका मतलब है कि बाकी देश के चुनाव प्रचार पर गांधी जी राहुल गांधी की जो उपलब्धता है वो थोड़ी कम हो जाती तो मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली तो ये समझदार फैसला है अच्छा ठीक है मेरा सवाल भी ऐसा ही कुछ था कि क्या स्ट्रेटजिकली डिसीजन डिसाइड जो किया गया उसे आप स्ट्रेटजिक डिसीजन मानेंगे या फिर जो विपक्ष जो भाजपा सरकार कह रही है कि मैदान छोड़कर भाग गए स्ट्रेटेजी का देखिए मुझे लगता है कि भा, भाजपा का यह कहना आ, अपने आप में एक अपने आप में एक स्ट्रेटजिक फैसला है <laughs> जब आप चाह रहे हैं कि चुनाव इमोशनल <laughs> पिच पर रहे तो आप किसी को डरपोक कहेंगे किसी को भागने वाला कहेंगे विच इज़ विच मेक सेंस आई मीन इलेक्शंस में ये कोई बहुत हैरान करने वाला वाली शब्दावली नहीं है पर मुझे नहीं लगता कि एक सीमा से ज़्यादा इस फैसले को नकारात्मक माना जा सकता है दूसरी तरफ अगर मैं राहुल गांधी के व्यक्तित्व की बात करूँ अभी ये फैसला हुआ है कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन ओवर व्यक्तित्व देखा खास खासतौर तो पर पिछले आप मान लीजिए दो साल में अगर हम बात करें क्या छवि आपको उनकी नजर आई देखिए हालांकि हम लोग जिस सम, समुदाय से पढ़ने लिखने वाले समुदाय से यूनिवर्सिटी वाले समुदाय से आते हैं वहां पर पहले भी राहुल की छवि को जैसे मीडिया कंस्ट्रक्टेड पप्पू छवि थी उस रूप में नहीं देखा जाता लेकिन इतना जरूर है कि पिछले दो एक साल में हम लगातार राहुल की छवि के परिपक्व होने और उसकी स्वीकृति बढ़ने के एक के बाद एक पैटर्न को देखते हैं अब दोनों तरीके से पहली बात तो एक गंभीर जो मतदाता है वह राहुल को एक गंभीर नेता की तरह देखना शुरू कर रहा है वो पार्ट टाइम नेता वाली जो छवि बनाई जा रही थी उस, उसके फेर में नहीं आते और दूसरा गठबंधन बन जाने के बाद हमने देखा है कि वो एक फेस ऑफ द कोइलिशन वाली पोजीशन में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं विच इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट बीजेपी इज़ वरीड अबाउट एटलीस्ट आई कैन सी दैट क्योंकि लगातार रिएक्ट uh, किया जा रहा है जब राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स आती हैं तो उस पर अब रिएक्शंस आ रहे हैं लगातार जिसका मतलब है कि आप वो मजबूर हैं उसे गंभीरता से लेने से और दूसरा ये भी है कि कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप पाएंगे कि वो जो इमोशनल पिच पर इलेक्शन चाहती थी भाजपा मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव उस तरीके से इमोशनल पिच पर हो रहा है चार सीटों पर हो सकता है कि राम मंदिर राम मंदिर चल भी रहा हो लेकिन आम तौर पर शायद भाजपा को ये समझ में आ गया कि केवल उसके भरोसे आप चुनाव अब नहीं लड़ रहे इसलिए अब आपको उस टर्फ में जाना पड़ रहा है जिस टर्फ से भाजपा लगातार बच रही थी राहुल गांधी ने ये वाला मामला तो डेफिनेटली किया है कम से कम जो इम्प्रेशनेबल वोटर हैं जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो यूथ है उस पर तो ये असर मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा है फाइनली वो चुनाव के फाइनल गेंद्स में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं लेकिन नरेटिव ऑफ द इलेक्शन जो है वो अब भाजपा तय नहीं कर रही है पूरी तरह से आपके मुताबिक फिर क्या क्या है कोई है है इस इस वक्त कोई जो ड्राइव कर रहा चुनाव को सिंगल नरेटिव तो डेफिनेटली नहीं है आपका कहना लगभग सही है लेकिन ये मजेदार बात है कि सिंगल नरेटिव राम मंदिर भी नहीं है या सिंगल नरेटिव वो इमोशनल पिच भी नहीं है जिस इमोशनल पिच की भरोसे बहुत सारा चुनाव माना जा रहा था कि लड़ा जा रहा है तो एक सिंगल नैरेटिव तो नहीं है लेकिन कम से कम कुछ मुद्दे जैसे कि आप भाजपा चूंकि लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने से बचती रहे अब इसने अल्टीमेटली ये एक ऐसा एक तरह की सहमति सब लोगों में डाल दी है कि भाजपा इससे बच रही है इसका मतलब भाजपा इस पर कमजोर है अब जिस ये दुर्भाग्य से हमारे यहाँ रोजगार पर वोट डाला जाता नहीं है ज्यादा लेकिन अगर चंद लोग रोजगार पर वोट डालने वाले होंगे तो उनके मन में एकदम स्पष्ट है कि अगर रोजगार पर वोट डालना है तो शायद भाजपा एक उपयुक्त तो चुनाव नहीं है तो इस सेंस में हम इन्हें ग्रैंड नैरेटिव तो नहीं कह सकते लेकिन मेरी समझ में आ, आ, माइक्रो और मैक्रो नैरेटिव्स के फॉर्म में ये वाले नैरेटिव्स दिखाई दे रहे हैं अच्छा एक सवाल मेरा ये भी था कि जो हम बात कर रहे थे कि क्या लोग या युवा जो है वो क्या रोजगार के नाम पर वोट देने जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं अक्सर सर्वे में बेरोजगारी का मुद्दा नंबर वन पर आपको दिखाई देगा जितने अभी तक सर्वेज आए वहां सबसे ज्यादा आक्रोश है लेकिन जब युवा वोट करने जाता है क्या वो उस उस बात को दिमाग में भी रखता है वो सोचकर वोट करता है वो बेरोजगारी वाले जो वोट है क्या वो असल वोटों में तब्दील होते हैं फल मतलब इस मामले में जितना आप क्लूलेस हैं उतना ही मैं भी क्लूलेस हूँ अगर हम लोग अपने उन युवाओं से बातचीत को आधार बनाएं जिनसे हमें रोज़मर्रा पाला पड़ता है मैं तो एक शिक्षक हूं तो हमें तो लगातार विद्यार्थियों से मिलना होता है तो ऐसा लगता है कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार है उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा इस किस्म, इस किस्म की स्टेबिलिटी और सुरक्षाएँ हैं लेकिन क्या अंततः वोट डालने पर यह एक सबसे बड़ा कारक होगा कि नहीं होगा मैं उम्मीद करता हूं कि होगा लेकिन अंततः तो जिस दिन काउंटिंग होगी तभी पता लगेगा अच्छा क्योंकि हम नैरेटिव की बात कर रहे थे बीते दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक टिप्पणी की आपने सुनी होगी वो बात कांग्रेस का उसमें जिक्र आया मनमोहन सिंह का जिक्र आया मंगलसूत्र का जिक्र आया उस बयान को आप कैसे देखते हैं टेर है किसी भी देश के लिए देश के प्रधानमंत्री किस भाषा में बात करते हैं और उससे उस देश के नागरिकों को क्या संदेश मिलता है ये एक अहम बात है और अगर देश की पॉलिटी राजव्यवस्था यह मानकर चलने लगे कि तेरह चौदह फीसदी लोग जिस समुदाय से आते हैं आप उसे लगातार वेलीफाई करेंगे आप उसके लिए लगातार बुरा बोलेंगे और इसके न तो राजनीतिक प्रभाव होंगे ना तो आपको इसकी कोई राजनीतिक कीमत अदा करनी पड़ेगी बल्कि संभव है आपको उम्मीद है कि इससे राजनीतिक लाभ मिलेगा और दूसरा ना ही इससे आपकी व्यक्तिगत छवि पर कोई नुकसान पड़ेगा तो इसका मतलब हम एक बहुत ही निराशा भरे समाज में रह रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि न केवल वह समुदाय जिस समुदाय को वो इंगित कर रहे हैं बल्कि जो बहुसंख्यक समुदाय है उसमें भी अधिकांश लोग इस शब्दावली को पसंद नहीं कर रहे होंगे अगर आप भाजपा का अपना घोषणा पत्र देखें तो उसमें बाकायदा ये वाक्य इस्तेमाल किया गया है जो ये कहता है कि वंचितों को वरीयता वाक्य आप घोषणा पत्र उठा के देख सकते हैं इसमें कहा गया वंचितों को वरीयता जिस समय वो ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं जिस समय वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं अगर भाजपा घोषणा पत्र तो वंचितों को वरीयता शब्द इस्तेमाल करता है और उसको लगता है कि एक्सेप्टेबल है जो कि एक्सेप्टेबल है टू बी ऑनेस्ट ये होना ही चाहिए वंचितों को वरीयता मिलनी चाहिए तो फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वह वाक्य कैसे आपत्तिजनक हो सकता है या वह वाक्य कैसे पोलराइजेशन में इस्तेमाल हो सकता है केवल तभी हो सकता है जब उसे बदनीयती से किया जाएगा और मेरे हिसाब से यह जो बहस शुरू करने की कोशिश की गई दुर्भाग्य दुर्भाग्यजनक था ऐसा होना और मुझे खुशी है कि इसे आम जनता ने बहुत अहमियत नहीं दी है चाहे आप मंगलसूत्र का सवाल उठाएंगे चाहे आप भैंस का सवाल उठाएंगे चाहे आप बहुत सारे बच्चे होने का सवाल उठाएंगे एक तो एक टीचर होने के नाते इतना निराशाजनक लगता है कि तथ्यों से दूर बात है फैक्चुअल नहीं है नहीं। आप उस आप उस ग्राउंड में अगर डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फैक्चुअल नहीं है और इसके जो दुष्परिणाम है वो केवल चुनावों तक नहीं रहते अगर आप पीछे देखें तो हर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सूचकांक में जिसका जरा सा भी संबंध समाज से है, है उसमें भारत की स्थिति लगातार गिर रही है हम आ, प्रेस फ्री, फ्रीडम में, में देख रहे हैं हम एकेडमिक है। फ्रीडम में देख रहे हैं हम सोशल मोबिलिटी में देख रहे हैं यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका संबंध समाज से होगा समाज में कोहेशन से होगा समाज में सद्भाव से होगा उन सभी सूचकांकों अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में हम लगातार गिर रहे हैं सरकार की प्रतिक्रिया होती है कि यह है जो सूचकांक है, है यह इनकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है यह शूटिंग द मैसेंजर कि हमने हम इन्हें मानते ही नहीं जबकि अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है और एक में नहीं हो रहा एक के बाद एक में हो रहा है जिसका मतलब है कि उसका नुकसान अकाद आर्थिक वजह से से कम हो रहा है वह सामाजिक वजहों से ज्यादा हो रहा है जब हम एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह देख रहे हैं कि अगर दो समुदायों के बीच वैमनस से बढ़ाया जाएगा तो इससे राजनीतिक लाभ मिलता है जाहिर है कि आपत्तिजनक बात है और किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में ना तो नैरेटिव इस तरीके से चलने चाहिए और ना ही चुनाव इस आधार पर होने चाहिए इस बीच आपने मैनिफेस्टो को लेकर भी बात की कि क्या कुछ मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था भाजपा के आपने दोनों मैनिफेस्टो को मोटे मोटे तौर से देखा होगा समझा होगा किसका मैनिफेस्टो आपको बेहतर लगा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा के मैनिफेस्टो में तो कहीं नौकरी रोजगार की कई ठोस बात ही नहीं है देखिए मैं मेरा संबंध आप जानते हैं कि आमतौर पर युवा लोगों से रहता है और आई विल नॉट गो बियॉन्ड बट आई अंडरस्टैंड लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके आधार पर अगर आप आग इन दोनों मैनिफेस्टोज को देखें तो भाजपा के मैनिफेस्टो की पॉजिटिव बात यह है कि समझ में आता है कि इस इस मैनिफेस्टो में बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टो बनाने में रोजगार मिला है अच्छा चमकदार तरीके से बनाया मैनिफेस्टो है उसके पीछे पीआर एक्सरसाइज साफ साफ दिखाई देती है उसके पीछे मीडिया के लोगों की अब अच्छी समझ कौन सी चीज़ को कहाँ लिखना है कैसा उसका लेआउट होगा कैसा ड्राइंग होगा वो सब डेफिनेटली भाजपा के मैनिफेस्टो में बहुत अच्छे के में है कांग्रेस कौ, के मैनिफेस्टो में वो रिलेटिवली थोड़ी सी अनगढ़ता कभी कभी दिखाई देती है जो कि समझ में आता है जो जिस व्यक्ति के पास आमतौर पर लोगों को देने के लिए पैसा ना बचा हो जिस पार्टी के पास तो उसके पास बहुत अच्छे पी आर एजेंसीज उसका मैनीफेस्टो नहीं बना रही होंगी बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट अगर आप कंटेंट में आए तो मैं तो उन लोगों से के बीच लगातार रहता हूँ जिन्हें जो सरकारी नौकरी मांग रहे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि उनको आई बना दो आई बना दो कम से कम एस की नौकरियाँ दे दो ये छोटी अगर आप इसको आधार बनाएं तो आप पाएंगे कि भाजपा के मैनिफेस्टो में आत्मविश्वास का एक नुकसान ये भी होता है जब आपको ये पता होता है कि आपको आपको आपकी घोषणा है कि आप तो पार्टी में आप तो जीत ही रहे हैं तो फिर आप ऐसी कोई भी बात कहने से डरते हैं जिस बात को आपके वायदे की तरह देखा जाए क्योंकि पहले एक बार दो करोड़ रोजगार वाले में पंद्रह लाख वाले में वो देख चुके हैं इसलिए वो ऐसी कोई कॉन्क्रीट बात कहने से बच रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है तीस लाख रोज सरकारी नौकरियां दी जाए ये रिक्त पद हैं सेंक्शन पद हैं इसके लिए हर साल बजट में पैसे का प्रावधान होता है लेकिन पद खाली है तो ये बात तो लगातार युवा लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इतने सारे वैकेंट पोजिशन हैं उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है तीस लाख पद तीस लाख पद अगर आज निकाल दिए जाएं तो लगभग लगभग पूरे देश के युवाओं के पास नौकरी पाने की इच्छा और मतलब जो एक तरह का उम्मीद है वो आ जाएगी तो वो आ, मुझे भाजपा के मैनिफेस्टो में नहीं दिखाई दी है भाजपा के मैनिफेस्टो में जो रोजगार की संभावनाएं दिखाई गई हैं वे लगभग लगभग सारी संभावनाएं या तो स्टार्टअप से आती हुई दिखाई दी गई या इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी और उस इंडस्ट्री के ग्रोथ से स्वाभाविक तौर पर रोजगार पैदा होंगे जिसे हम ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं जिसका मतलब है कि ऊपर आप पैसा दे दीजिए उस, उसकी कुछ बूंदें नीचे तक आएंगी और इससे किसी को चपरासी की नौकरी मिलेगी किसी को मैकेनिक की नौकरी मिलेगी ऑक्जिलरी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी आ, एक अच्छे लोकतंत्र में केवल इसके भरोसे नहीं होना चाहिए एक अच्छे लोकतंत्र में कॉन्क्रीट रोजगार कैसे दिए जाएंगे क्योंकि रोजगार वरीयता में होना चाहिए इंडस्ट्री आपकी वरीयता में है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इंडस्ट्री से जो कुछ रिसेगा टपकेगा उससे रोजगार मिलेंगे इसका मतलब आपकी वरीयता इंडस्ट्री है जो कि बुराई नहीं है बशर्ते वो रोजगार पैदा कर रहे हो और सरकारी रोजगार के बारे में तो आप एकदम चुप्पी लगा गए आप नहीं बता रहे हैं कि आप, आप स्कूल के मास्टर जो खाली पद हैं उनको भरने वाले हैं कि नहीं भरने वाले हैं आप नहीं बता रहे हैं कि जो क्लर्क के पद हैं उनको भरेंगे आप उसकी जगह एआई लेकर आएंगे तो वो मुझे लगता है कि और बेहतर होना चाहिए था क्योंकि अगर आप एक ऐसा गठबंधन है जिसके बारे में आप 400 पार बार की कामना कर रहे हैं तो आम व्यक्ति तो आपके घोषणा पत्र को ज़्यादा गंभीरता से लेगा बनस्पत उस व्यक्ति उस गठबंधन के जिसके बारे में घोषणाएँ चार और तीन वाली नहीं हो रही हैं आपने गंभीरता से लिया भाजपा के मैनिफेस्टो देखिए हम सब लोगों की पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस होती हैं और मेरी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस लगभग जग जाहिर हैं भा, मैं भाजपा के घोषणा पत्र की जो के जो अंडरटोन्स हैं भाजपा के घोषणा पत्र में जो नहीं कहा गया है उसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ मसलन वंचितों को वरीयता देते समय जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं की गई भाजपा के पूरे घोषणा पत्र में शानदार छवियां इस्तेमाल की गई हैं लेकिन उन छवियों में ऐसी किसी छवि को आने नहीं दिया जा रहा है जिस छवि से ये जरा सा प्रतीत हो कि इस देश में हिंदुओं के अलावा भी कोई रहता है नहीं है अब देखिए उसमें जो इलस्ट्रेशन इस्तेमाल की गई हैं क्या इस देश के अन्य समुदाय इस देश के वंचितों की प्रतिनिधि छवियाँ इस देश के सबसे बड़ी पार्टी तो सत्तारूढ़ दस साल से सत्तारूढ़ पार्टी के घोषणा पत्र में परिलक्षित नहीं होनी चाहिए थी ये अपने आप अप में एक संकेत है और मैं इस संकेत को गंभीरता से लेता हूँ मैं संविधान की चिंता को गंभीरता से लेता हूँ और इस बात को भी गंभीरता से लेता हूँ कि आ, जो हमारे देश के बराबर के समझे जाने वाले दूसरे समुदाय हैं आ, क्या उनको आगे भी बराबर का समझा जाएगा कि नहीं और जितना आपने मैनिफेस्टो पढ़ा बीजेपी का कोई ऐसी बात है जो तो आपको लगी कि अच्छी अच्छा कदम हो सकता है या, या अच्छी अच्छा वादा हो हो सकता है अगर पूरा हो जाए जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहली बार आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया है वो ट्राइबल्स की चिंता कर रहे हैं या उनको पता लग गया है कि ट्राइबल से भी वोट मिलता है वो एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप ट्राइबल्स जो हैं वे भारतीय पॉलिटी राज्य व्यवस्था में एक अहम भूमिका अदा करते तो अच्छा है स्त्री शक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं जेंडर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है उस लिहाज से महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास जिस पैमाने पर भाजपा के घोषणा पत्र में जिस जिन जिन चीज़ों को रेखांकित किया गया है सही या गलत लेकिन वो रेखांकित किया गया है वो एक बुरी बात नहीं है उस लिहाज से अच्छा है लेकिन स्वाभाविक है कि जो अपेक्षाएं हैं उन, उन पर तो खरा नहीं होता और दूसरी तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में में के के में में वो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है हालांकि ऐसा नहीं है कि आप नीतिगत स्तर पर खासतौर से आर्थिक नीतियों में कोई बहुत बड़े शिफ्ट का वादा देखते और ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वैसे भी भाजपा भी जिन आर्थिक नीतियों पर आ, आर्थिक नीतियाँ वही हैं इक्यानवे के बाद जो आर्थिक नीतियाँ शुरू होती हैं हम लोगों की उनसे पचास असहमति हो सकती है लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा उन्हीं नीतियों को और आगे लेकर जा रही है जो नीतियाँ मनमोहन सिंह सरकार की नीतियाँ थीं तो कम से कम आर्थिक नीतियों में तो कोई बहुत बड़ा अंतर हमें भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में नहीं दिखाई देता सिवाय इसके कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जो की का जो वादा है वो कांग्रेस के गठबंधन में ज्यादा है, है। चाहे वो एजुकेशन पर हो चाहे वो हेल्थ पर हो और चाहे वो अन्य सोशल सेक्टर्स पर हो जी थोड़ा सा मैं डिबेट करूंगी हाल में एक वायरल वीडियो आपने देखी होगी कल गोटियाज यूनिवर्सिटी की चर्चा अचानक से होने लगी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने जो ये बच्चे आए इन्हें इस बात का भी तकाजा नहीं था कि प्रदर्शन किस बात का हो रहा है बहुत ज्यादा जानकारी उसकी नहीं थी इस तरह के प्रदर्शन जब आप देखते हैं जहां पर यूनिवर्सिटीज खुद डायरेक्टली इस तरह से इन्वॉल्व हो जाती हैं आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिवर्सिटीज को इस तरह इंडल्ज करना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटीज को इस तरह इंडल्ज होना चाहिए देखिए दोनों में दोनों जो आप वाक्य बोल रही हैं देखिए गलगोटिया वाला जो प्रकरण है, है अगर वह ट्रेजिक ना होता तो कॉमिक है। ठीक है ना आप उस पर हंस सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से वो बहुत खेदजनक है, है। खेदजनक सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो विद्यार्थी खड़े होते हैं उन विद्यार्थियों की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक समझ इतनी कम क्यों है, है। क्योंकि दरअसल इन विश्वविद्यालयों में इस आर्थिक समझ को अपनी जिम्मेदारी इस सामाजिक समझ को अपनी जिम्मेदारी माना नहीं जाता और अगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें आप जिधर भी हाँक दें उधर वो चल दें आ, तो ये अफसोसजनक बात तो है विश्वविद्यालय जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग का स्पेस होने चाहिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए विश्वविद्यालयों के पॉलिटिकल होने में कोई बुराई नहीं बशर्ते वह सोची समझी राजनीति से हो विद्यार्थी एक राजनीतिक समझ के साथ किसी प्रदर्शन में शामिल हो अच्छी बात है वो किसी का विरोध करें ये भी अच्छी बात है वे इसके लिए के उत्तेजित हो जाते हैं ये भी समझ में आता है लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं आपको तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलने थे इसलिए शामिल किया गया तब आप विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शामिल नहीं हो रहे तब विश्वविद्यालय की संरचना प्रशासन शामिल हो रहा है विश्वविद्यालय का प्रशासन जब आ, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विरोध में खड़ा होना शुरू हुए तो अफसोसजनक है मुझे खुशी होती है केवल प्राइवेट सेक्टर में हो रहा होता लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ऐसे समाचार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जबकि सरकारी तौर पर वित्त पोषित लोग हैं जिनको नौकरियों का डर नहीं है वो सरकारी नौकरियों में वहां के वाइस चांसलर्स या वहां के प्रशासक ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं जो कि साफ साफ चुनाव प्रचार है मेरा अपना विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय अभी आगामी आठ मई को सो कॉल्ड विकसित भारत दौड़ का आयोजन कर रहा है चुनाव चल रहे हैं किसी को भी मालूम है कि इस समय चुनाव चल रहे हैं इस शहर में जिस शहर में आपका विश्वविद्यालय उस शहर में लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिए कर रहे हैं और ऐसे में आप सो so कॉल्ड विकसित भारत दौड़ आयोजित करेंगे जिसमें आपके विश्वविद्यालय के पाँच हजार विद्यार्थियों को कहा जाएगा कि आप शामिल होइए ठीक वो तब तो जब जबकि उन, उनका पाँच दिन में इंटरनल असेसमेंट शामिल होना है आप समझ सकते हैं कि वे विद्यार्थी कोई स्वय स्वेच्छा से तो आएंगे नहीं वो इस समय इसी दबावों में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से ये विश्वविद्यालयों के लिए द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के खिलाफ है हमारे विश्वविद्यालयों को साहस से भरा होना चाहिए उनके अंदर राजनीतिक समझ में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासनों को ऐसा करने से बचना चाहिए अगर इसके बारे में आप बता पाए कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है कि क्या ये स्पॉन्सर्ड होता है किस तरीके से क्या पार्टीज मतलब वन हैज टू बी वेरी नेव टू आस्क इट ये पूछने में बहुत ही भोलापन आपकी जो मासूमियत है वो या तो है या फिर आप उस मासूमियत को दिखाने की कोशिश स्वाभाविक है कि ये प्रशासन जो है राजनीतिक दबावों से करता है ऐसे लोग इसके आयोजन में शामिल होते हैं जिन आयोज जिन लोगों का बाकायदा राजनीतिक दल से सीधा संबंध होता है ऐसा नहीं है कि ये कोई यूजीसी द्वारा आए हुए सर्कुलर से तय हुआ है कि विकसित भारत दौड़ है नहीं बाकायदा विकसित भारत दौड़ चूंकि पंद्रह दिन के बाद इस शहर में चुनाव है और आप विकसित भारत का जो फ्रेम खड़ा करना चाह रहे हैं वो आप उम्मीद उम्मीद करते हैं कि भाजपा का फायदा करेगा आप इसलिए इस दौड़ का आयोजित कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं अच्छा हाल में हमने देखा इंदौर और सूरत में एक ऐसा मॉडल देखने को मिला लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं और चिंता जाहिर भी कर रहे हैं कि क्या ये कोई नया पॉलिटिकल मॉडल है जहाँ पर एक उम्मीदवार चुनाव होने से पहले भी पहले ही जीत जा रहा है दोनों जगह भाजपा का उम्मीदवार जीत गए देखिए ये सब या तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो छात्र संघ चुनाव होते थे उनमें हुआ करता था हुँ. या बहुत ज्यादा हुआ तो ये जो, जो ग्राम सभा के चुनाव हुँ. पंचायत के होते थे उनमें होता था अगर वह मॉडल देश की सर्वोच्च प्रतिनिधिक संस्था के लिए हो जाता है हुँ. तो ये है राज्य व्यवस्था की पॉलिटी की कई सारे सवालों को खड़ा करता है और ये देश की लोकतंत्र की हालत को बताता है आप जरा समझ के देखिए कि अगर सूरत के कांग्रेस के उम्मीदवार को भाजपा के एक प्रमुख नेता बाकायदा लेकर जाते हैं कि आप विड्रॉ कर लीजिए और जिस दिन वो फाइल करते हैं उससे अगले दिन उनके खिलाफ किसी पुराने मामले को शुरू कर दिया जाता है जिसमें कि उन पर एक नया चार्ज अटैम्प टू मर्डर जोड़ा जाता है मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भारत छोड़िए दुनिया के लोग कम से कम इसे देख रहे हों कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो क्या रहा है कि आप देखिए अंत हो सकता है कि इन दोनों ही जगहों पर फिर भी भाजपा जीतती हो संभव है बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण हो सकते हैं जिनकी जगह जैसे सूरत में इंदौर में फिर से भाजपा जीत जाती लेकिन फिर उनको ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी पहली बार और दूसरा इस देश इस इन कॉन्स्टिट्युएंसीज के मतदाताओं का अपमान देयर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू कास्ट वोट, नो मैटर वो फेवर में होता अगेंस्ट में होता लेकिन आपसे आपका मताधिकार छीना जाता है इस तरीके से और ये मताधिकार डरा कर धमका कर लालच में या किसी भी तरीके से छीना जाता है और न तो इस देश के चुनाव आयोग को इससे फर्क पड़ता है ना मीडिया को इससे फ़र्क पड़ता है और ना ही आम जनता को इससे फ़र्क पड़ता है ये डरावना है क्योंकि मेरे हिसाब से तो चुनाव आयोग को स्थगित करना चाहिए, कर देना चाहिए इस चुनाव को इन और सूरत में लेकिन एक ब्रॉडर व्यू में भी अगर आप देखिए चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं या फिर बैलेट पेपर की मांग हो रही है उस सब पर चुनाव आयोग को किस तरह रिएक्ट करने की जरूरत है इस वक्त देखिए हमें समझना पड़ेगा कि एक भारत जैसे लोकतंत्र में इस तरह के संवैधानिक निकाय इनकी जिम्मेदारी केवल एक क्लैरिकल तरीके से एक काम को पूरा कर देने की नहीं है मान लीजिए आपने चुनाव करा दिया चुनाव के बाद मतगणना की और अपने घोषणा कर दी कि अमुक दल जीत गया अमुक दल हार गया ये तो स्वाभाविक है कि किया ही जाना है लेकिन ज्यादा अहम काम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे ये है इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियां होने से लेकर और अब तक ऐसा लगता नहीं कि चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर पा रहा है कि लोगों का विश्वास भरोसा देश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस पैमाने पे बना रहे जिस पैमाने पे ज़रूरी है मसलन कि यह आ, मेरा यह आ, आ, मेरी यह अपेक्षा कि मुझे मैं जिसे वोट दे रहा हूँ अंततः वह वोट उसी के पास जा रहा है ये आधारभूत चीज है मैं ये नहीं कह रहा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन मेरा ये भरोसा ये वास्तव में होने से भी ज़्यादा अहम बात है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र अगर लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनाए रखनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग ऐसा करे और ऐसा करता हुआ दिखे मैं वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा अभी टिप्पणी शायद नहीं की जा सकती लेकिन वैसा करता हुआ दिख नहीं रहा मसलन अगर हम देखें कि जब मुख्य प्रधानमंत्री के खिलाफ जब शिकायतें होती हैं तो उसके उस, उस पर कोई कार्यवाही करता हुआ चुनाव आयोग नहीं दिखाई देता जो नोटिस भी दिए जाते हैं वो उनकी पार्टी को दिए जाते हैं जबकि अन्य मामलों में नोटिस जो है जो लोग उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे थे उनको दिए जा रहे थे अब ये जो अपेरेंटली जो प्रतीयमान तौर पर जो पक्ष है चुनाव आयोग का वो उतना भरोसे पैदा कर नहीं रहा है और ये केवल एक चुनाव आयोग या एक चुनाव का मामला नहीं है अगर हमारा हमारी जनता का भरोसा इस प्रक्रिया से छीजता है थोड़ा सा भी कम होता है तो उसका जो खामियाजा है वो एक लंबे अरसे तक अदा करना होता है तो अवॉइडेबल चीज़ है चुनाव आयोग को प्रोएक्टिवली ऐसा करते हुए दिखना चाहिए कि वह निष्पक्ष है वह दोनों या जितने भी पक्ष शामिल हैं चुनाव में उनको बराबर तरीके से देख रहा है और वह किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है वह सरकार का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है वह आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है ऐसा करते हुए दिखना चाहिए अच्छा दिल्ली को लेकर एक चुनावी सवाल है ये कि कन्हैया कुमार का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया लग बात है कि उनके नाम को लेकर पार्टी में भी उनकी पार्टी के अंदर भी कन्हैया कुमार को से उतारना, आप को जानते भी मुखर्जी नगर जैसे इलाके जो हैं वो उसी तरफ आते हैं आप बताइए कि कन्हैया कुमार के व्यक्तित्व को आप कैसा देखते हो और उन्हें चुनावी मैदान में नॉर्थ ईस्ट से उतारना कितना सफल प्रयोग हो सकता है कांग्रेस पार्टी देखिए कन्हैया कुमार पार्टी प्रत्याशी के तौर पर या एक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर एक सीट से खड़े होते हैं और जैसा मैंने राहुल गांधी के संदर्भ में कहा था कि ये स्ट्रैटेजिक फैसले इससे पहले अगर आप इस सीट को देखें तो इस सीट पर जब पहली बार मनोज तिवारी जीतते तो उनके खिलाफ प्रोफेसर आनंद कुमार एक जो है प्रत्याशी थे और दूसरी बार जब जीतते हैं तो दिलीप जो हैं दिलीप पांडे वे प्रत्याशी थे दोनों आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और उन चूंकि इन चुनावों को मैंने काफ़ी निकटता से देखा उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ और कि इस इन चुनावों में एक विशेष तरीके का डेमोग्राफी है, है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की देखे। जिस पर कन्हैया कुमार कई टिक उन पर लगते हैं वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं वे उस इलाके से आते हैं जिस इलाके से मनोज तिवारी के ख़िलाफ़ कैंडिडेटचर में इम्पॉटेंट हो सकता है क्योंकि पूरा आठ कॉन्स्टिचुंसीज़ जो हैं वे यमुना पार की कॉन्स्टिचुएंसीज़ हैं जिनमें बड़े पैमाने पर प्रवासी लोग रहते हैं तो उस वजह से शायद वो होगा और दूसरा विश्वविद्यालय इसी कॉन्स्टिचुंसी में आता है विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे लोग और वे लोग जो ओपिनियन बिल्डिंग करते हैं वे लोग यहाँ पर शामिल हैं तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है एक अगर मैं ग्राउंड पे बताऊँ तो लोग इस फाइट को बहुत रुचि के साथ देख रहे हैं क्योंकि मनोज तिवारी के पास ये एक अच्छा खासा संघर्ष की कारण है यहाँ पर क्योंकि एक तो लोगों में थकान थकान भी एक कैंडिडेट से दस साल में आती है और दूसरा सामने वाला कैंड जो वक्ता है जो कैंडिडेट है वो कई मामलों में एनर्जेटिक कैंडिडेट है आ, मुझे नहीं पता कि चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फाइट है मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए कि कन्हैया कुमार यहाँ से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं ये युवा व्यक्ति है और देखते हैं कैसा करते हैं उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं देखिए देखिए अगर आप कन्हैया कुमार के उन भाषणों को देखें जिस समय वो कांग्रेस में नहीं थे और वह भाषण जो वो जे में एक अध्यक्ष के तौर पर दे रहे थे उस भाषण ने एक तरह का स्पार्क पैदा किया था उस समय और बड़े पैमाने पर उसका असर लोगों पर लंबे अरसे तक दिखाई दे रहा था तो मुझे ये सही है कि एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एक उसकी अपनी एक मांग होती है जिसके चलते अब वो वाम के नेता नहीं हैं अब वो कांग्रेस के नेता हैं हालांकि गठबंधन में तो सब एक ही हो जा रहे हैं तो उस लिहाज से मुझे तो वह एक ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं थोड़ा बहुत तो ये वाला भाव तो है ही कि जब लाभ दिखाई दिया तो कांग्रेस की तरफ चले गए वो वो एक चीज़ दिखाई देती है आ, लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे वो एक ऐसे व्यक्ति दिखाई देते कि अगर वो संसद में होंगे तो संसद में काफ़ी आतिशबाजी होगी अच्छा और क्योंकि हम यहाँ पर सांसद चुनने की बात कर रहे हैं एक सवाल ये भी है क्योंकि जहाँ भी हम अभी तक लोकसभा चुनाव की कवरेज में गए कहराना हो मुजफ्फरनगर हो वेस्ट यूपी की तमाम सीट्स हो वहां पर एक चीज देखने को मिली अगर नाराजगी बीजेपी के कैंडिडेट जो वहां पर इस वक्त सांसद है वहां से नाराजगी अगर है भी तो भी लोगों का कहना है कि वोट मोदी को देंगे ये मैंने मथुरा की सीट पर भी ये भाव देखा जहां से हिमा मालिनी तीसरी बार चुनाव जो है वो लड़ रही हैं तो आपको क्या लगता है कि जब लोग वोट करने जाते हैं तो सांसद का चेहरा देखना चाहिए या जो तो बड़ा चेहरा है वो देखना चाहिए देखिए हम एक ऐसे स्ट्रक्चरली कहें तो साफ साफ बात है कि संसद का देखना चाहिए लेकिन हम उस स्ट्रक्चर चुनाव में वो स्ट्रक्चर दिखाई दे नहीं रहा बाकायदा भाजपा की तरफ से घोषणा ये है कि 543 पर मोदी जी लड़ रहे हैं ठीक है ये आ, हमारी राजव्यवस्था को एकदम प्रतिनिधिक वाली राज राज, राज व्यवस्था से एक राष्ट्रपति वाली राज, राज व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली बात है आ, लेकिन ये कहना कि इसका कोई असर नहीं होता नहीं। शायद गलत होगा कुछ असर तो होता होगा और इसीलिए ये कहने की जरूरत भाजपा को पड़ती है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दीजिए लेकिन आपका कहना सही है कि पोलराइजेशन जिस पैमाने पर हुआ है उस पैमाने पर केवल आ, सूरत और इंदौर जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं पार्टी के अपने जो नेता हैं उनको भी बौना किया गया है अब सांसद सांसद नहीं है सांसद केवल मोदी जी की छत्रछाया में कोई भी ए बी सी डी जेड है उसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप एक ही दिल्ली जैसे शहर में अगर देखें तो एक साथ आप चार चार पाँच पाँच अपने सांसदों को बदल दे रहे हैं आ, तो ये इसका सीधा मतलब ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जिस व्यवस्था में व्यक्ति जो है वो संस्थाओं से या स्ट्रक्चर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है अच्छा अंत में आ, मैं कुछ आपके सामने कुछ नामों का जिक्र करूंगी और आप के मन में जो भी शब्द आता है वो नाम सुनकर वो आप कह सकते हैं what? <laughs> <laughs> आ, पता नहीं इन खेलों से कुछ हासिल होगा या नहीं बट चलिए ये लोगों की भी रुचि रहती है कि आप आप आपकी राय भी लोग जानना चाहते हैं मोदी जी का सबसे पहला नाम लिया जाए जुमले सीधा कुछ तो अच्छा लगता होगा तो हाँ उनके वो जैकेट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं कपड़े अच्छे राहुल गांधी राहुल गांधी मोहब्बत योगी आदित्यनाथ भाई 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 कैसा भाई अब मतलब भय जो है वे उनके प्रशासन का मेन प्लैंक है डराकर शासन कढैया को मार अफसर प्रियंका गांधी बैकसीट ड्राइविंग अखिलेश यादव इंतजार <laughs> uh, दूसरी तरफ से अगर बात करें तेजश्वी यादव इंतजार इंतजार <laughs> इंतजार चल रहा है दोनों अखिलेश और तेजश्वी यादव का मायावती बहुत-बहुत शुक्रिया।, शुक्रिया और ज्यादा टेस्ट आप <laughs> <ले>। <laughs> और बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया न्यूज़ से बात करने के लिए राजनीतिक चर्चा चुनावी चर्चा करने हमने की हमने कोशिश की अलग अलग जो मुद्दे इस वक्त देश में चल रहे हैं प्रभावी मुद्दे हैं रोजगार को लेकर हमने बात की तमाम अन्य मुद्दों को लेकर बात की बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप तक के साथ जुड़े और खुलकर अपनी राय जो है वो आपने रखी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं विजेंदर जी के राय के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ निधि तनेजा न्यूज तक